पंच कल्याण क्या है, तो पंच कल्याण तीर्थंकरों के जीवन की पांच प्रसिद्ध घटनाएं हैं जो जन जन के कल्याण के लिए होती हैं। यहाँ गर्भ धारण करना पाप की क्रिया कहलाती है, लेकिन यह पाप की क्रिया भी कल्याणकारी हुई है। आश्चर्य तो ये है कि गर्भाधान की क्रिया भी कल्याण करती है। जैन धर्म की विशेषता देखो, आप यदि ये क्रिया करते हैं गृहस्थ जीवन में गर्भ धारण की, तो ये लोग कहते पाप है, लेकिन भगवान क्या कहते, ये भी पुण्य है। जिस नारी के गर्भ धारण ना हो उससे पूछो उसको कैसा लगता है। हमारे पास आती कई माता बहनें, महाराज बहुत परेशान हैं, 10 साल हो गए शादी को, संतान की प्राप्ति पुण्य कर्म का फल है कि पाप कर्म का फल, बोलो। तो उस पुण्य कर्म के फल को ये संसारी प्राणी को नहीं चाहता। यदि ये पाप की क्रिया करते हो और यदि पुत्र की प्राप्ति होती है तो वह पाप भी पुण्य में बदल जाता है, क्योंकि वह संतान आगे धर्म की परंपरा चलाता है। इसलिए ये जो पंच कल्याणक गर्भ कल्याणक की क्रिया को देखकर, जन्म कल्याणक की क्रिया को देख करके असंख्यात देवों को सम्यक दर्शन हो जाता है। वह सौधर्म इंद्र का मुकुट भी झुक जाता है, उसका आसन भी कंपायमान होने लगता है। और जब उन सौधर्म इंद्र के अंदर में रहने वाले भी असंख्यात देव भी जब देखते हैं कि मेरे स्वामी इनको नमस्कार कर रहे हैं, माने इनसे भी कोई बड़ा है, तो वो पूछते हैं, प्रश्न करते, कौन है वो? रात में राज्यसभा लगाई होगी, दरबार लगाया होगा इंद्र का, भैया जी ये सभा क्या है, यही तो सभा कि ये क्या है, कौन तुम ये नमस्कार करते हो, कौन है ऐसा पुण्यशाली जीव, कौन है ऐसा जो तुमसे भी बड़ा हो गया है, मुझे बताओ, मैं उसको जीतता हूं। तो सौधर्मेंद्र कहता है, हे देवतागण, मैं भी नहीं जीत सकता हूं, तुम्हारी तो छोड़ो, 3 लोक की सारी शक्तियां मिल जाएं तो भी जन्म जात उस बालक की बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए वह कल्याणकारी क्रिया है, और ऐसी क्रिया आप लोगों को देखने को मिल रही है। आज सुबह भी कहा था कि मानव जीवन की सफलता को आपको प्राप्त करना है तो आपको ये ध्यान रखो, आप घर से आए हैं, यहां बैठे हैं क्यों? ये राग रंग की क्रिया देखने के लिए। हाँ, राग रंग की क्रिया भी वैराग्य का कारण बनती है, बन सकती है, सम्यक दर्शन का कारण बनती है और बन जाती है। इसलिए तीर्थंकरों की जो क्रिया है, यह क्रिया जगत कल्याण के लिए होती है। यह पंच कल्याणक तुम्हारे लिए पुण्य का अवसर प्रदान करती है। यह पंच कल्याणक एक धार्मिक माहौल बनाता है। यह पंच कल्याणक हमारे परिणामों को सफल बनाता है, हमारे परमात्मा को संभालता है। यह जो पंच कल्याणक है, यह आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए प्रयोगशाला के रूप में दिखाया जाता है। यह पंच कल्याणक हमारी संस्कार और संस्कृति की रक्षा करता है। यह पंच कल्याणक पूज्य बनाने की कला सिखाता है। यह पंच कल्याणक आत्मा में गोता लगाकर कसायों की गांठ खोलने का एक हमारे लिए महान अवसर देता है। यह पंच कल्याणक विषय कसायों को छोड़ करके और अपने आत्मा के
कल्याण के मार्ग पर बढ़ाने के लिए यह तुम्हारे लिए अवसर प्रदान करता है, इसलिए इस पंच कल्याण का सर्वाधिक महत्व है। और ऐसा जो भगवान बनना चाहता है वह ऐसे पंच कल्याणक में आकर के, और यहाँ पर प्रवचन सुनता है। सबसे ज्यादा महत्व यदि कुछ है तो इन गुरुओं के जो पंच कल्याणक में प्रवचन होते हैं वे सबसे ज्यादा तप का रूप होकर के तुम्हें कल्याणकारी हो जाते हैं। इसलिए सारी क्रिया छोड़ देना, लेकिन गुरुओं के प्रवचन कभी मत छोड़ना, उस समय तो आके बैठ ही जाना।